विशाल निसार इंसोल में हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज के इस व्लॉग में मैंने जो एक्टिविटीज़ की हैं वो विदाउट क्रचेस करने की कोशिश की है, क्योंकि ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है और कई व्यूअर्स ने मुझे कहा था कि मैम आप विदाउट क्रचेस कैसे चलते हैं। लोगों को मेरी कंडीशन पता है, पोजिशन पता है, उसके बावजूद भी वो लेकिन क्वेश्चन पुट करते हैं कि आप विदाउट क्रचेस कैसे चलते हो। मैं विदाउट क्रचेस नहीं चल सकती और थोड़ी बहुत जो कोशिश करती हूँ उठने बैठने की कैसे करती हूँ वो आप सब इस वीडियो में देखिए। लेकिन यार पता क्या, जब तक मज़ा नहीं आता आप ना बस वीडियो देखते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे तो मुझे और मज़ा आता है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो मुझे पता चलता है कि आपको मेरी कौन सी वीडियो अच्छी लग रही, कौन सी वीडियो नहीं अच्छी लग रही। व्यूज़ कम आते तो लगता है वीडियोज़ अच्छी नहीं है, और वीडियो अच्छी आते हैं तो मुझे लगता है हाँ मेरी वीडियो अच्छी बनी है। एनीवेज तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बेड से या फोल्डिंग से नीचे कैसे उतरती हूँ विदाउट क्रचेस। अभी इस टाइम भी मेरे पास क्रचेस नहीं है और मैं ज़्यादातर अपना जो ये उतरने और चढ़ने का काम है, मतलब बेड पर या चेयर पर, वो अपने हैंड के सपोर्ट से करती हूँ। इसलिए मुझे अपने हैंड्स को थोड़ा सा मेनटेन करना पड़ता है, क्योंकि इसमें पेन तो होता ही है मेरे अंडर आर्म्स, सारा दिन क्रचेस लगाकर काम करने से। तो अभी आपने देखा ही मैंने फ्लोर पर वैसे बैठ गई, अब हैंड्स पर प्रेशर देकर मैं उठने का ट्राई करूँगी, या चेयर हो या बेड हो, कहीं पे भी हो हैंड्स पर प्रेशर देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली पाम पर। अगर आसपास कोई सपोर्ट के लिए है, जैसे बेड है या चेयर है, तो उसका सपोर्ट अगर मुझे मिल जाता है मैं बहुत इजीली उठ जाती हूँ और बहुत जल्दी भी। अदरवाइज़ अगर नहीं मिलता है मुझे सपोर्ट तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है। वॉल का सपोर्ट लेकर भी ट्राई करती हूँ, बट क्या है वो वॉल पर हाथ स्लिप होते हैं तो नहीं हो पाता इतना। देखिए अभी मेरे पास सपोर्ट है हैंड्स पर, चेयर का है एक तरफ और एक तरफ बेड का है। तो इस तरह मैं धीरे धीरे वॉक करके, अगर कोई सामान लेना है तो मैं ले सकती हूँ, या क्रचेज मेरी अगर दूर हो तो मैं उनको ले सकती हूँ ऐसे। ये देखिए मैंने अपनी क्रचेज इस तरह से ली है। ये सिर्फ इस वीडियो में मैं शो कर रही हूँ कि अगर मेरे आसपास कोई हेल्पर ना हो कोई सामान पकड़ाने के लिए, तो मैं खुद से कैसे मैनेज करती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये क्रचेज ले ली और मेरा जो अब वर्क है वो मैं अपना कर लेती हूँ आराम से। तो धीरे धीरे मैं आपको ये वॉक करके भी दिखा रही हूँ। अब मैं अपनी क्रचेस को रख देती हूँ साइड में और बेड का सपोर्ट लेकर मैं बैठने का ट्राई करके दिखाती हूँ आपको। तो अभी थोड़े से मैंने जो कपड़े पहने हैं वो काफ़ी लूज़ है, इसलिए ही पहने ताकि ये वीडियो मैं कंफर्टेबली बना सकूँ, क्योंकि अगर कपड़े टाइट्स होते हैं तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता है मेरे लिए। तो इस तरह से मैं दोबारा फ्लोर पे बैठ रही हूँ और अगेन उठने का ट्राई कर रही हूँ। वैसे मुझे नीचे बैठने में, फ़र्श पर बैठने में बहुत ही दिक्कत होती है, मैं अवॉइड ही करती हूँ। अगर मुझे कहीं जाना पड़ जाए और जहाँ पर नीचे बैठने का कुछ है अरेंज, तो मैं वहाँ इग्नोर करती हूँ, नीचे बैठने से मोस्टली चेयर पर ही बैठती हूँ, क्योंकि उठने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। वो आप इस वीडियो में देखकर समझ गए होंगे कि मुझे नीचे से उठकर वापस ऊपर बैठने में कितनी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से मैं वापस बैठ गई हूँ। मतलब सारे वीडियोस में मोस्टली यही है कि मेरे जो हैंड्स का जो सपोर्ट है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए मुझे क्रचेस लगानी पड़ती है अंडर आर्म, क्योंकि जो हैंडल हैं क्रचेस के वो भी हैंड के सपोर्ट से ही पकड़े जाते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप जो नी वाली, एल्बो वाली जो होती है, सॉरी एल्बो वाली जो क्रचेस होती है वो क्यों नहीं यूज़ करते, तो वो मैं इस यूज़ कर ही नहीं सकती क्योंकि मुझे पूरा अंडर आर्म से ही सपोर्ट चाहिए होता है। इस तरह से देखिए मैं कोशिश करती हूँ, कई बार ऐसे जब ज़्यादा ही अंडर आर्म से पेन होता है तो मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ सेम इसी तरह से सपोर्ट लेकर, अप्स एंड डाउन्स करके। काफ़ी सारी एक्सरसाइज है वो इसी तरह से मैं कर लेती हूँ बैठे बैठे। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से मैं अपने मैनेज कर लेती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर मेरे पास क्रचेस ना हो सपोज़, तो मैं कैसे बिना क्रचेस के चलती हूँ, कैसे वॉक करूँगी। बेड को पकड़ कर, बेड का सहारा लेकर, सपोर्ट लेकर भी मैं थोड़ा बहुत चल लेती हूँ। इस तरह से धीरे धीरे आगे की तरफ होना, पीछे की तरफ होना, बेड का सपोर्ट लेकर या वॉल का सपोर्ट लेकर,
मैं चल लेती हूँ। देखिए धीरे धीरे मैं आगे की आऊँगी और थोड़ा सा रिस्क लगता है गिरने का, बट ट्राई तो कर ही सकते हैं। इस तरह से क्या है, जो मेरी नी जो पीछे की तरफ बैंड हो रही है मोस्टली लेग्स, उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। इस तरह से मैं धीरे धीरे एक्सरसाइज के तौर पर इनको कर लेती हूँ। कंफर्टेबल रहता है इसलिए मुझे कैलिपर्स पहनना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेरा जो राइट लेग है वो बैंड हो रहा है, शो हो रहा होगा आपको, इसलिए मैं कैलिपर्स पहनती हूँ कहीं जाने पर। जब मुझे बाहर मोस्टली कहीं जाना होता है तभी कैलिपर्स मुझे यूज़ करने पड़ते हैं, घर में तो मैं ऐसे ही नॉर्मल ही रहती हूँ। ये देखिए अभी मैं थोड़ा सा स्लिप होने से बच गई, गिर ही जाती, बट ऐसा कई बार हो जाता है, ऐसा कई बार हो जाता है कि मेरी जो क्रचेस है वो लग नहीं पाती है सही से, या मेरा बैलेंस नहीं बन पाता है एक क्रचेस से खड़े होने का या चलने का, तो मैं कभी कभी स्लिप हो भी जाती हूँ। स्पेशली जैसे बारिश वाले दिनों में क्या है, गीला गीला सा होता है फर्श या कहीं भी कुछ पानी भी पड़ा, तो मेरी जो बिसाख की जो रबड़ है वो बहुत ही स्लिपी है, वो स्लिप हो जाती है और इंजरी भी हो जाती है कई बार तो, बट अब तो हैबिट हो चुकी है ऐसी लाइफ की इसलिए। तो फ्रेंड्स मैं बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनाती हूँ, काफ़ी रिस्क भी होता है कई बार, मैं वो एक्टिविटीज़ करके दिखाती हूँ जिसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोज़ को देखकर सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दिया करो प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और अफसोस होता है जब कोई मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं करता, लाइक नहीं करता, शेयर नहीं करता है। प्लीज़ आप कर दिया करो ताकि मुझे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले। आई होप आप इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे। और अभी थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के बाद मैं बैठ गई हूँ और अभी आ गई है मेरी आंटी जी जो हमारे नीचे वाले फ्लोर पर रहती हैं, ग्राउंड फ्लोर पर, और अभी उनसे जो ऐसी हाय हेलो होता है, हाल चाल पूछे जाते हैं उनसे, ऐसी वार्तालाप चल रही है। तो काफ़ी आंटी भी काफ़ी अच्छे हैं, ये सही भी सपोर्ट करते हैं। जैसे पहले हम एक्चुअली यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे रेंट पे रहते हैं इनके यहाँ पर, तो इनके जो स्टेयर्स हैं ऊपर वहाँ पहले ग्रिल नहीं थी, बट मेरी पोजीशन देखकर इन्होंने स्पेशली ग्रिल भी लगवा दी ताकि मुझे उतरने में और चढ़ने में स्टेयर्स पे थोड़ी सी दिक्कत ना हो। तो काफ़ी सपोर्टेबल है हमारी आंटी जी, हर तरह से सपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताइएगा इस वीडियो में मेरी इन एक्टिविटीज़ को जो जो आपने देखा है अभी तक वो आप कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियोस को शेयर भी कर दिया कीजिए आप मेरे।
अभी शाम का टाइम है और मेरा बेटा अभी बाहर बैठा है। ये जो वीडियो शूट किया है मैंने बाहर हमारे बालकनी का है, इसलिए थोड़ा सा अभी गर्मी का मौसम हो चुका है तो स्वेटर वगैरह तो मैंने नहीं पहना है, इसलिए मैं थोड़ा सा इजी चल पा रही हूँ। अदरवाइज़ आपने लास्ट वीडियो में किसी में देखा होगा कि स्वेटर पहन कर चलने में मुझे कितनी दिक्कत होती है, तो विदाउट स्वेटर थोड़ा सा कम्फर्टेबल फील करता है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक मैं एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया लाइक शेयर।